जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुदा के रहम करम से ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। और गला हो रहा है थोड़ा सा खराब क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज, तो इसलिए। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए हैं और अभी रात हो गई है तो मैं आ गई हूँ। आपको बैकग्राउंड से पता चल ही गया होगा कहाँ आ गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ मिशू के घर पे, और क्योंकि तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी तो ऊपर से धो लिए कपड़े, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि गला ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे मिशेल से मिलवाते हैं आपको, और हम लोग किस काम के लिए आए हैं वो भी आपको बताते हैं। ये मिशेल, और आज मिशेल का कमरा बहुत साफ। तो पापा ने मुझे बोला था रात सुबह सुबह मुझे कॉल की कि हमने आना है, तो मैंने सुबह उठ के जल्दी से सफाई कर ली। जैसे मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया कि आज मैंने कूलर नीट किया है, क्योंकि तबियत ठीक नहीं थी 2-3 दिन हो गए, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। और सोनी की तबियत भी ठीक नहीं, क्योंकि आप सबको पता है जो एलर्जी चल रही है, हवा जो चल रही है बारिश की, तो उन्हें वो हो रही है, सारे दाने हो रहे हैं पीप वाले, जिसकी वजह से उनकी तबियत भी ठीक नहीं थी। तो उसकी वजह से मैं व्लॉग इसलिए डाल नहीं थी। तो आज मैंने साफ सफाई की, मैंने सोचा मम्मा छोटू देखने जा रहा है, मैंने मिशेल हाँ हाँ, तो आप अपने दुआ करनी मेरे सोनी के लिए कि उसकी तबीयत जल्द से ठीक हो जाए। वो आज भी बोल रहा था, मैं उन्हें बोल रही थी आप छुट्टी कर लो, तो बोले नहीं नहीं छुट्टी नहीं करनी, आगे काम ठंडे हैं, तो आज मैं काम पर जाऊंगा। तो मुहर्रम का महीना होता है, वैसे ही सब काम ठंडे हो रहे होते हैं जी। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि कोई काम इतने ज़्यादा कारोबार जो है वो हो जाते हैं कम, क्योंकि मुहर्रम का महीना ही ऐसा है। तो यहाँ पे जो है ना, हाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि सोनी की तबीयत ठीक नहीं है, दादी की भी तबीयत ठीक नहीं, तो मौसम थोड़ा सा हो रहा है चेंज, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। जिस दिन की आपकी तबीयत खराब, उस दिन से मेरी तबीयत खराब है। तो आप लोगों ने मिशेल के लिए बहुत सारी दुआ करनी। चलो मैं सामने आ जाती हूँ। मीटिंग बैठ गए हैं दोनों, और आपने बताना ज्यादा बुढ़ा कौन लग रहा है। जब शादी हो जाए बुढ़े ही हो जाते, मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ। तो जब वही तो कह रही हूँ कि आपने बताना है कि ज्यादा बुढ़ा कौन लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं लग रही हूँ। तम्मी आप बढ़िया, तो बुढ़े ही लगोगे। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना मिशेल की तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज है, तो हाँ अभी बेहतर है, क्योंकि थकन से इतनी तबीयत खराब होगी तो रास्ता इतना गंदा है, मैं आपको बता नहीं सकती, जो भी जाए ना फंस ही जाएगा। हाँ। तो उसकी वजह से भी थोड़ा ऐसे खड्डों में जा जा कर अंदर जाना हिल जाता है इंसान, मतलब कि बंदा नाश्ता करके जाए ना फिर उधर जाके भूख लग जाएगी। हाँ, हमारा जो इलाका है बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा खराब, और आज हमारा जो है वहाँ की हो रही है सफाई, हो रही है। हाँ, हमारी गली वाले जो है वो तो सारा पानी का सिस्टम साफ हो गया, और आगे जो और गटर लाइनें उधर बंद है, तो इसलिए बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और आज सुबह ही हम लोग जो है थोड़ा सा सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ से जो है ना किराए पे देके तो हम लोग शहर की तरफ ले लें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी होती, प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई बच्चे की तबीयत खराब तो रात को कहाँ लेके भागे, वहां तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलती, गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन ये शुक्र है कि कर लेते हैं हम लोग। ये शुक्र है खुदावन का कि अपनी बाइकें हैं सबकी, मामू लोगों के सुलेमान के शुक्र है पापा ने सभी बाइक ले ली है। टाइम जो हमारे पास 2-3 बाइकें होती हैं, और जिस दिन मम्मा का एक्सीडेंट हुआ, मम्मा का, एलिया का और पापा का और लीव का, आप सबको जैसे पता है कि मामू शहजाद ने वीडियो डाली थी कि तब भी हमने दोनों मोटरसाइकिलें निकाली और जल्दी से यहाँ आ गए, अगर ना होती तो खवार हो जाना था हमने, खवार हो जाना था, क्योंकि वहां से गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती। शुक्र है खुदावन का कि 2-3 बाइकें हमारे पास एनी टाइम होती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं होती है, शायद इसलिए नहीं होती क्योंकि बाइक्स हमारे पास है। हाँ। इसलिए टेंशन नहीं होती इतनी। तो सलमान गया हुआ है बाहर, तो वो आता है जैसे ही, तो फिर हाँ, तो उसका इंतजार हो रहा है, और वो जब भी आता है वो शहजाद लोग बेचारे जो है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज वो मेरे लिए बेचारे खाना वाना लेके आए थे इतना सारा, और पापा भी कॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। तो मैं मम्मा को बोल रही थी आप लेट हो गए तो अपने घर पे चले जाना, क्योंकि यार वो कह रहा है कि आप सबको पता है जैसे हालात भी ठीक नहीं है, तो इतना टाइम से देर को नहीं घर जाना चाहिए। तो मैं मम्मा को बोल रही थी आपने सुबह में आ जाना, क्योंकि पापा बोल रहे थे हम सुबह आएंगे। तो जो मैंने व्लॉग बनाया उसमें जो है ना काफी लोगों ने मुझे बैड कमेंट किए, लेकिन काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा लगा भी, बहुत अच्छे भी हमारे जो है लोग हैं, और हमने उसमें किसी को बुरा नहीं बोला, किसी के नज़र पे उंगली नहीं उठाई, हम लोगों ने बस यही बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी जो फैमिलियाँ हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ भी होता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहते, अगर इस मुल्क में किसी के साथ भी बुरा होगा तो हमें बुरा लगेगा। हाँ, जैसा कि मीनारे पाकिस्तान पे वो बच्ची के साथ हुआ। हाँ। था क्या, आयशा अकरम, मैं कितनी परेशान हुई थी उसकी वजह। हाँ। से हालांकि वो तो क्रिश्चियन नहीं है ना, वो मुस्लिम है,
हम तो हर किसी के बारे सोचते हैं, हमारे बारे पता नहीं क्यों नहीं कोई सोचता। तो हम तो हर किसी की वजह से कितने दिन डिप्रेशन में रही थी ना, इतना मैं रोई थी, इतना रोई थी कि क्यों उस बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ है। और मैं बहुत परेशान हुई थी जो और जैसे अभी कर रहे हैं, चर्च जला रहे हैं, क्या मिलेगा? नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, ऊपर खुदा देख रहा है, सब्र का इम्तिहान ना ले तो यही बेहतर है इनके लिए। और जो भी है, कोई भी है, खुदा देख रहे हैं उन्हें और इनका इंसाफ खुदा ही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि उनकी जो खुदा की लाठी है ना बेआवाज है, बेआवाज है। तो इतना ना करें कि बाद में इनसे बर्दाश्त ना हो। तो बस जी चलो जी, हम तो हमने तो खुदा पे छोड़ा हुआ है, हमारा खुदा इंसाफ करेगा। और जब हम देखते हैं, हम जब भी मोबाइल पकड़ते हैं देखते हैं, मैं देखती हूं और मैं तो इतना रोना आता है कि हमारी बाइबल जला दी गई, हमारे चर्च जला दे, हम फिर भी चुप हैं। ये हमारी शराफत है कि हम चुप हैं। हाँ, हम भी इन लोगों के तो हमारा कलाम इजाजत नहीं देता ना ऐसे फौरन से वायलेंट हो जाए और किसी की जान को नुकसान करें, किसी के घर को नुकसान करें। क्योंकि जैसे हमारी फैमिली वैसे सबकी फैमिली, सबकी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे, बहने, भाई, हमें पता है उनकी अहमियत, उनकी क्या अहमियत होती है। हाँ, हमें पता है। तो हम किसी के बारे कभी बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे जैसे हमारे बच्चे हैं। तो वो कहावत है पंजाबी की, बच्चे सब दे सांझे होंगे जी। और जैसे हमारे पापा मेहनत करते हैं वैसे सबके पापा मेहनत करते हैं, माँ मेहनत करती है, बहनें कमाने जाती हैं। तो हम तो किसी के बारे बुरा सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमारी मामा पापा ने खुद इतनी मेहनत की है। वैसे मैंने तो कभी बाहर काम नहीं किया, तो सुमन ने किया है। सुमन को पता है कि क्या बाहर होता है। तो मुझे इस बात की फिक्र है कि जो लड़कियों ने बनाए थे अपने जहेज, जिनके माँ बाप नहीं है सर पर, तो उनके उनके दिल पर क्या बीतरी होगी। तो कुछ नहीं भाई, खुदा सब अच्छा करेगा। हाँ, बस इम्तिहान है, इम्तिहान हर किसी पे आते हैं। तो जो इंसान हमने भी बस अपने खुदा पर छोड़ दिया, खुदा सब कुछ अच्छा करेगा। और आप सबने भी दुआ करनी है कि खुदावंद जी सब कुछ अच्छा करे। जो अच्छे हैं वो सब दुआ ही कर सकते हैं, है ना? हाँ, और ये है कि तो हम तो हर हाल में खुश हैं, शुक्रगुजारी करेंगे हम लोग खुदा की हर हाल में जी, क्योंकि जो उसको मंजूर है वही होना है, किसी के कहने से ना कुछ चलना है और ना कुछ बदलना है जी। तो सुलेमान आ गया, तो इसे मैं इसे मेरे से ना चांटे पड़ेंगे अभी। हां चांटे, गुलाबी उर्दू तो पहले सीख लो, उर्दू बोलना। ये देख लो, ये बदतमीज गांव में ऐसे बोलते हैं, ये बहुत बदतमीज मेरा भाई है। और ये देखो, ये मेरा क्यूट सा जो भाई है ना, अभी जा रहा है। कहां जा रहे हो? चलो चले 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 चले, घर पे इतनी बातें सुना रहे हैं वो। और ये मोबाइल से चाहिए, जिसके पास मोबाइल है ना इसे मोबाइल दे दो भाई। तो इसको मोबाइल चाहिए तो कोई आके मेरे सलमान को मोबाइल गिफ्ट कर दो, सही है भाई? हाँ। है? और ले लिया मोबाइल, बताया क्या उसने? किसने बताया? जी गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी। अल्लाह हाफिज़।